हेलो दोस्तों सलामती हो एक दोस्तों कुछ फेडेड कलर इमेजेस जिनको हम आ, उनकी कलर ग्रेडिंग हम करना चाहें और फ़ोटोशॉप में हम बहुत से तरीक़े इस्तेमाल करते हैं आज हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में हम नहायत आसान स्टेप्स के साथ कलर ग्रेडिंग इस इमेज की जो कि एक फेडेड कलर इमेज है इसके कलर्स फेड हो चुके हैं और इस इमेज पे एक वाइटनेस है तो इस इमेज की कलर ग्रेडिंग हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप इस इमेज के ऊपर हम तीन स्टेप्स में इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना सिवाय क्लिक्स के तो सबसे पहले आप इस इमेज के ऊपर एक ब्लैंक लेयर ये बनाए और यहाँ से आप रिमूव टूल इसको आप सेलेक्ट करें रिमूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप मॉडल के फेस पे अगर कोई ब्लमिश हैं या कोई पिंपल्स हैं या अनएं स्किन है तो आप उसको सबसे पहले आ, उनको आप रिमूव कर लें और जब ये आप काम कर चुके तो इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई इनको मर्ज कर दें अब आप फिल्टर और न्यूरल फ़िल्टर्स को ओपन कर रहे हैं न्यूरल फिल्टर्स को ओपन करने के बाद अपने कलराइज़ को अनेबल करना है और ये इमेज को कलराइज अपनी आ, ए आई के थ्रू ये इमेज को कलराइज़ कर देगा लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन शेडो भी मौजूद है और इसकी जैकेट का कलर भी वो नहीं है जो प्रीव्यू में हमें नज़र आ रहा है तो हम वो कलर्स फिक्स कर पहले हम हेयर का करते हैं तो यहाँ पे ये फोकल पॉइंट्स आपने लगाने हैं एक फोकल पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं और इसे कहते हैं कि ये ब्लैक कलर में हमें चाहिए और इसको यहाँ पे ओके कर लिया और इसके बाद आप मजीद यहाँ पे देखते हैं कि अगर शेड है तो आप हेयर के ऊपर ये फोकल पॉइंट्स लगाते चले गए और ये हेयर इसके यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन शेड है तो ये उनको वहाँ से रिमूव कर देगा अब ये जो जैकेट का कलर ब्लू है हम इसके ऊपर एक फोकल पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे तो इसको क्लिक करके यहाँ से हम ऑलमोस्ट वही कलर जो जैकेट का है वो कलर और ओके किया और ये यहाँ से जैकेट का कलर भी ब्लू और यहाँ से एक वोकल पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं और एक पॉकेट के ऊपर और ये यहाँ पे हो गया इस साइड पे राइट साइड पे भी हमें एक पॉइंट गए तो ये टोटल अब ये जैकेट ब्लू हो चुकी लेकिन ये टॉप जो इसने मॉडल ने पहन रखी है इसका कलर यहाँ पे ब्राउन है तो हम एक फोकल पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और इसका कलर यहाँ पे चेंज करके आलमोस्ट वही कलर ब्राउन करेंगे तो यहाँ पे ये यह इसका कलर यहाँ पे ब्राउन हो गया अब पीछे भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो क्रीनरी है वहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजेस uh, करनी है तो इसको यहाँ पे हम ग्रीन करेंगे और ओके किया और ये यहाँ पे ग्रीन हो गया बैकग्राउंड भी आपका यहाँ पे एक और फोकल पॉइंट लगा देते हैं और ये टोटल यहाँ पे अब ग्रीन हो गया इसको आउटपुट uh, हम करंट लेयर में रखते हैं और इसको यहाँ पे ओके कर देते और ये आपका इमेज यहाँ पे लेकिन अभी भी इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग की यहाँ पे जरूरत तो अब ये तीसरा स्टेप है जिससे हमारे इमेज टोटल आ, उसकी कलर ग्रेडिंग यहाँ पे हो जाएगी वो आप यहाँ से ग्रेडियंट मैप यहाँ पर दें ग्रेडियंट मैप तो आपने यहाँ से बेसिक ग्रेडियंट मैप ब्लैक एंड वाइट लेना है और इसको यहाँ पे ओके कर दें अब इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज करके आप सॉफ्ट लाइट कर दें और इसकी ओपेसिटी रिड्यूस करके आप फिफ्टी परसेंट कर दें और ये आप ये देखेंगे कि ये बिफोर और ये आफ्टर ओवरऑल जो हमारा इमेज था पहले वो ये था और उसके बाद हमने न्यूरल फ़िल्टर से इसकी कलर ग्रेडिंग की और यहाँ पे कलर्स को पॉप कर दिया सिंपल वेरी सिंपल उम्मीद है कि आपको अपने कलर्स की ग्रेडिंग करने के लिए जस्ट क्लिक्स में कोई को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं आप क्लिक्स में कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए And thanks for watching.